चीन में कहावत है, टू स्केयर अवे द मंकीज समटाइम्स यू नीड टू स्किन अ कैट, यानी बंदरों को डराने के लिए कभी कभी बिल्ली की खाल खींचना जरूरी होती है। ये कहावत चीनियों पर ही सटीक बैठती है, क्योंकि ड्रैगन के जबड़े हमेशा के लिए खामोश करने का वक्त आ चुका है। 2020 में चीन ने LAC के हर मोर्चे पर मार खाई, बावजूद इसके माओ के वारिसों की अक्ल ठिकाने नहीं आ पाई। 2021 के पहले महीने में ही चीन की खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। खौफनाक इसलिए क्योंकि इस साजिश में चीन का गुलाम पाकिस्तान भी शामिल है। गिलगित बाल्टिस्तान में चीन नया हाईवे बना रहा है। इस हाईवे का मकसद क्या है? चीन और पाकिस्तान के हर पाप का प्रमाण सामने रखती है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आसमान की बुलंदी का मुकाबला करती काराकोरम की चोटियां, हरी घास के मैदानों में लिपटी वादियां, जिसे कुदरत ने गजब की खूबसूरती से नवाजा है। धरती का वो हिस्सा जिसे दुनिया POK के नाम से जानती है। हिंदुस्तान का वो टुकड़ा है ये, जिसे नापाक मुल्क पाकिस्तान ने अवैध कब्जे की बेड़ियों में जकड़ रखा है। उसे गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की इन्हीं हरी भरी चोटियों में माओ की संतानों और जिन्ना के वारिसों की सबसे बड़ी साजिश आकार ले रही। गलवान में हड्डी तोड़ प्रहार के बाद LAC पर जिनपिंग के शागिर्दों के हाहाकार के बाद, हर मोर्चे पर शिकस्त खाने के बाद, बीजिंग के तानाशाह ने एक और खौफनाक मंसूबा तैयार कर लिया है। चीन POK में नया हाईवे बना रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में ये हाईवे 800 मीटर का होगा। जिस चीन के गलवान धोखे की चर्चा दुनिया में है, ड्रैगन के उसी डर का, उसी फरेब का, उसी मक्कारी का पाप जिन्ना के वारिस अपने माथे पर बारूद बरसने के तौर पर लेने को तैयार हैं। LAC to LOC प्लान, मोर्चा चीन टू पाकिस्तान। चीनी चांडाल लद्दाख में हारे, अब लड़ेंगे इमरान के सहारे। जिनपिंग का डेंजरस कदम, पहले पाकिस्तान होगा बेदम। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से शी जिनपिंग की साजिश सरहद पर मिट्टी में मिली। विस्तारवादी सोच वाला ड्रैगन बैकफुट पर आया, इसलिए माओ के वारिसों ने एक बार फिर गिलगित की तरफ कदम बढ़ाया है। इसलिए सबसे पहले चीन की साजिश को समझिए। गिलगित बाल्टिस्तान से चीन का बनाया 1300 किलोमीटर लंबा काराकोरम हाईवे गुजरता है। चीन के शिंजियांग के काशगर से ये हाईवे शुरू होता है, जो बाल्टिस्तान के खुंजारेब पास के POK में दाखिल होता है, फिर हुंजा, नगर, गिलगित, चिलास, दासू, बेशाम, मानसेहरा, एबटाबाद, हरिपुर से होती हुई हसन अब्दाल के मुकाम पर GT Road में मिलता है। चीन और पाकिस्तान के पाप का ये हाईवे आगे जाकर ग्वादर पोर्ट तक पहुंचता है। इस हाईवे के बहाने चीन दशकों से POK के संसाधनों को लुटा रहा है। सवाल ये है कि चीन के नया हाईवे बनाने का मकसद क्या है? हाईवे के बहाने चीन पाकिस्तान कौन से साजिश रच रहे हैं? चीन के इस हाईवे से हमारी सरहद पर क्या खतरा हो सकता है? इन सवालों का जवाब POK में मौजूद शहर अस्तोर से मिल सकता है। ये तस्वीरें गिलगित बाल्टिस्तान के अस्तोर कस्बे की हैं, जो करीब 2600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। अस्तोर स्कर्दू के पश्चिम में है, जहां से लद्दाख ज्यादा दूर नहीं है। चीन 800 किलोमीटर लंबा जो हाईवे बनाने जा रहा है, उसके जरिए अस्तोर को काराकोरम हाईवे से जोड़ने की मंशा है। एक बार 33 मीटर चौड़ी सड़क बन जाने के बाद चीन आसानी से भारी हथियारों से लेकर टैंक और तोपों को हमारी सरहद के करीब पहुंचा सकता है। साफ है कि LAC के हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद माओ के वारिसों ने नए मोर्चे पर जंग की तैयारी की साजिश रची है। करीब 2.5 महीने पहले पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का ऐलान किया था, और तभी से चीन और पाक की साजिश की आशंका आकार लेने लगी थी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान के 5वें सूबे बनने के ऐलान के 2 महीने बाद ही चीन ने हाईवे की साजिश का जाल क्यों बुन दिया? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं। पाकिस्तान और चीन के पापों के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम आवाज बुलंद कर चुकी है।
चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान से तो इतनी नफरत है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग जिन्ना के वारिसों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने जाहिर कर दिया है कि उन्हें नकारे प्रधानमंत्री और मक्कार आर्मी चीफ की सरपरस्ती कभी मंजूर नहीं होगी। जनरल बाजवा अपनी बूटों से संविधान को कुचलकर गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने पर तुले हैं। जिनपिंग के तलवे चाटने वाले इमरान ने चुनाव करवा दिया है। चुनाव में जमकर धांधली की गई, सब कुछ हो गया, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के खून के उबाल को दोनों काबू न कर पाए। अब चुनाव में धांधली के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान के लोग सड़क पर उतर चुके हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के दिल में जो तूफान है वो अब शोला बन चुका है। गिलगित बाल्टिस्तान की सड़कों को वहां के लोगों ने बंद कर दिया है। अब बाजवा की फौज को इस धधकती हुई आग को पार करके ही अंदर जाना होगा। इस आग से हुकूमत और फौज दोनों को अंदाजा हो गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान में अब किस तरह का तूफान उठ चुका है। विरोध के बावजूद बाजवा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। पाकिस्तानियों की खाली झोली और मुफलिसी में दम तोड़ती उम्मीदों का आखिरी सहारा जिनपिंग की दहलीज ही था। लिहाजा चीन के कहने पर गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का पांचवा सूबा बनाने का ऐलान कर दिया गया और चीन ने भी साजिश का नया सिरा तैयार करने में देर नहीं की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।